मैं राष्ट्रीय युवक इंद्र कुमार सिंह प्रयागराज का रहने वाला हूं और किसान आंदोलन में सम्मिलित हूं। और मुंबई से दिल्ली तक मैंने साइकिल यात्रा की है, जिसको सफ़र को मैंने 19 दिन में कंप्लीट किया है और लगभग 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की है। और साइकिल यात्रा के माध्यम से मैं किसानों को ये बताना चाहता था कि भारत में जो कानून लाया गया किसान कानून, ये किसान कानून ना होकर के व्यापारी कानून है। परंतु मैं किसानों से ये अपील भी करना चाहता था कि इस बार सरकार को या व्यापारी को किसी भी तरह से अनाज का उत्पादन अपनी उपज का ना दें। और उनसे एक और निवेदन करना चाहता था कि भारत में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी एक वोट ना दें। मैं अपने जीवन के अंतिम काल तक इस मिशन पर रहूँगा जहाँ बीजेपी को उसकी अंतिम सीट तक हराने का कार्य। ठाणे, नासिक, मंडमार, जलगांव से होते हुए मैं अमरावती, अकोला, वर्धा, नागपुर होते हुए मध्य प्रदेश की सीमाओं में घुसा। इन सारी जगहों पे किसान बहुत जागरूक हैं परंतु मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते ही जो मुझे दिखाई दिया, वहाँ सरकार का इतना दबदबा है कि किसी ने भी मुझसे बात करना बिल्कुल भी गवारा नहीं समझा। वहाँ मंडियाँ खुली रहीं परंतु हाईवे के ढाबे तक बंद रहे। सरकार जहाँ बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से लोगों को डराई धमकाई रखी है। और यूपी में आने के बाद वहाँ चूँकि इलेक्शन का माहौल है, लॉकडाउन खुला हुआ है, तो यूपी में लोगों ने कुछ सुना तो, परंतु उनमें भी अभी भी कुछ भक्ति बाकी है, उनको जागरूकता की कमी है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो किसान आंदोलन है ये काले कानून के लिए है, और काला कानून भी किस प्रकार, इसको समझने की ज़रूरत है। ये पूरा का पूरा बिल, जो 3 बिल लाए गए हैं, ये बिल किसी भी तरह से किसानों के हित का नहीं है, ये व्यापारियों के हित का है। पहला बिल कहता है कि किसान कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, तो किसान वही लेकर के पहले भी जा सकता था, परंतु व्यापारी स्टॉक लिमिट के साथ जिले की परमिशन के बिना नहीं जा पाता था। वर्तमान में ये परमिशन किसानों के नाम पर व्यापारियों को दे दी गई। दूसरा कानून जो कह रहा है कि हम व्यापारी आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होंगे, लेकिन इसके तहत जो प्राविधान, न्यायिक प्राविधान दिए गए हैं, न्यायिक प्राविधान में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि यदि विवाद की स्थिति होगी तो आप कैसे निपटेंगे। विवाद की स्थिति में केवल SDM से निपटा रहे हैं। क्या SDM निपटारा करा सकता है? ना लोअर कोर्ट किसान जा सकता है, ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं कदम ही नहीं रख सकता। ये एक बिल भी पूरी तरह से व्यापारियों का बिल है। तीसरा बिल, जैसा कि सब लोग जानते हैं, संशोधन विधेयक है। संशोधन विधेयक में आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओं को स्टॉक लिमिट से बाहर कर दिया गया। ये पूरी तरह से देश में कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। इससे किसान को तो जो 2 पैसे मिलेंगे, परंतु भारत के एक एक उपभोक्ता को जो नुकसान झेलना पड़ेगा, वो नुकसान इतना बड़ा होगा कि भारत में महंगाई 7वें आसमान पर होगी। जैसे मैं एक छोटे उदाहरण से बताता हूँ, भारत में तिलहन और दलहन का उत्पादन 4 वर्षों में एक बार अच्छा होता है। ये क्या करेंगे, उत्पादन के समय में रेट गिरा करके उत्पादन खरीद लेंगे किसानों से। भारत के किसान, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि भारत के किसान 95% किसान छोटी जोत वाले किसान हैं। वो मंडियों में नहीं जा सकते, वो अपने आसपास के किसान व्यापारियों को ही बेचेंगे। उनकी मजबूरी है कि उनको रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, अर्थात रोज़ खेती करनी है, और रोज़ उनको पैसे की ज़रूरत होगी, और इस पैसे की प्राप्ति के लिए उनको अपनी उपज बेचना ही है। परंतु सरकार ने इस कानून के माध्यम से केवल और केवल व्यापारियों का हित सोचा है। उन्होंने ये संसद में बैठ करके लोकसभा राज्यसभा में पूछते हैं काला क्या है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ तो पूरा नाम का घोटाला कर रखा है, नाम का ही घोटाला कर रखा और पूछते हैं काला क्या है। आप इसको समझें अच्छे से, ये 3 के 3 बिल पूरी तरह से व्यापारी बिल है, कहीं से भी किसान के हित का, उपभोक्ता के हित का, मजदूर के हित का कानून नहीं है। ये पूरा बिल व्यापारी बिल है। शर्म नहीं आती वो हम किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी बोलते हैं। अगर परजीवी ये ना होते तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री होते? चाय बेचने को छोड़ करके वो जा करके पार्टियों में सेवा करके नाम पर परजीवी तो है। बीजेपी के परजीवी होने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री बन